हाय गाइस, इट्स मानसी, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज का सेशन थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर बिकॉज ऑफ नेटवर्क ग्लिच, एंड इसीलिए आज का सेशन थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं। ये सेशन जो है इसका रिकॉर्डेड वर्जन डाल देंगे, तो अभी अगर आप नहीं देख सकते हैं तो आप बाद में भी देख के इसे अपना आर्टिकल कम्प्लीट कर सकते हैं। वंस अगेन सॉरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेपर क्राफ्ट है। तो मैंने ये मटीरियल जो आपको बताया था, आई होप आप लोगों ने रेडी कर ही लिया होगा वो मटीरियल। सो अपना मटीरियल निकाल लीजिए, सबसे पहले न्यूज़पेपर निकाल लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं, चलो चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हमें इसके लिए न्यूज़पेपर चाहिएगा। तो न्यूज़पेपर एक सिंगल पेपर लिया था मैंने, एंड इसे अभी मैं बीच में से अलग कर रही हूँ, तो ध्यान से इसे अलग कर लीजिएगा। एंड अब हम हाफ़ पेपर को यूज़ करके स्टिक बनाएंगे। तो हाफ़ पेपर ये रहा हमारा, एंड अब मैं एक बैम्बू स्टिक ले रही हूँ इसको अच्छे से रोल करने के लिए। तो रोल करने के लिए बैम्बू स्टिक ले लेंगे एंड इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। तो इसे ठीक से बैम्बू स्टिक की हेल्प से अच्छे से रोल कर लेंगे, एंड रोल करने के बाद इस स्टिक को हम निकाल लेंगे और उसके बाद में हम ग्लू लगा देंगे इसमें अच्छे से। तो स्टिक को निकाल लेना है। थोड़ा सा मेरी स्टिक टाइट हो गई थी निकलते वक्त, बट ठीक है, निकल गई है। एंड अभी हम अप्लाई कर देंगे इस पर फेविकॉल। तो अभी फेविकॉल लगा दिया है एंड इसे मैंने पेस्ट भी कर दिया है। तो ये स्टिक अच्छे से एकदम पेस्ट हो गई है। ये कुछ स्टिक्स मैंने पहले से ही बनाकर रख ली थी, अराउंड 30-40 स्टिक्स हैं ये, एंड आपको भी इसी तरीके से स्टिक्स बना के रख लेनी है। फेविकॉल लगा रही हूँ मैं स्टार्टिंग में ही इसके, और उसके बाद में अब हम इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमें इसे रोल करते जाना है इसी तरीके से। स्टिक को रोल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट हो जाती है तो थोड़ा टाइटली करना। ये रोल होते होते ओपन भी हो जाती है, इसलिए आपको फेविकॉल भी लगाना पड़ेगा इसको रोल करते वक्त। तो अच्छे से इसे रोल करना एंड हर एंड में, लास्ट में आपको इधर फेविकॉल अप्लाई करते जाना है। जहाँ पर एंड होगा वहीं से आपको दूसरी स्टिक भी इस पर कनेक्ट करनी है। देखिए मैं दूसरी स्टिक ले रही हूँ एंड यहाँ पर भी मैं स्टार्टिंग में ही इसके फेविकॉल लगाऊँगी। मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि ये फोल्ड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना करे। इधर फेविकॉल लगा दिया है एंड अभी स्टिक को इस पे दोबारा से हम लपेटना शुरू करेंगे। बस फेविकॉल लगाते जाएंगे और इसे रोल करते जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो रही है, तो आपको इसे होल्ड कर करके फिर ही रोल करना पड़ेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए इसे रोल करना पड़ेगा। तो आज हम बना रहे हैं टी कॉस्टर। तो आज हम बना रहे हैं टेबल प्लेसमेंट इसे रोल रोल करके, एंड देखते हैं ये टेबल प्लेसमेंट हमारी आगे जाकर, मतलब पूरी बनने के बाद में कैसी लगेगी। एंड अभी तो इसको रोल करना ही बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, तो इसे अच्छे से धीरे धीरे रोल करते जाएंगे हम। और मतलब करीबन हमें 30-35 स्टिक्स जो है इसको रोल करनी पड़ेंगी अभी। तो अभी सेम प्रोसीजर को फॉलो करके, जो जिन्होंने आप में से किसी ने स्टिक नहीं बनाए रखी हैं, ऑब्वियसली आपका लाइव सेशन है तो आपको नहीं पता था कि स्टिक बना के रखनी है, तो अभी आप लोग स्टिक बना लीजिए। तब तक मैं इसे रोल कर रही हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर जो है वो मैं इसका जो रिकॉर्डेड वर्जन है इधर अपलोड कर दूँगी, आप देख के इसे कम्प्लीट कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से मैं इसे रोल करते जाऊँगी। सो मैं 35 स्टिक्स मेरी जितनी भी बनी हुई हैं मैं सारी की सारी इस पर रोल कर दूँगी एक एक करके।
तो इधर हमारा प्रोसीजर जो है वो पूरा हो जाता है। एक एक करके मैंने सारी स्टिक्स जो थी, मैंने जो भी 30-35 स्टिक्स बनाई थी वो सारी इधर रोल कर दी हैं। एंड अभी इसे सूखने के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। तो जब ये अच्छे से स्टिक हो जाएंगी एक दूसरे से, तब हम इसका जो सेकंड प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, एक सिंपली हमें किसी भी बाउल में या कप में थोड़ा सा फेविकॉल निकालना है और उस पर पानी डाइल्यूट कर लेना है, थोड़ा सा ही। जितनी फेविकॉल ली है उससे थोड़ा सा कम पानी हमें डाइल्यूट करना है और अच्छे से ब्रश से मिक्स कर लेने के बाद हमें उसे उस पूरे बेस पे, यानी कि जो अभी हम टेबल प्लेसमेंट बना रहे हैं ये स्टिक्स को रोल करके, इस पर हमें ब्रश की हेल्प से इसे लगाना स्टार्ट कर देना है। तो स्टार्ट करेंगे लगाना एंड बिल्कुल अच्छे से लगाना है, कंजूसी बिल्कुल भी मत करना वरना आपकी जो प्लेसमेंट है ये एक टाइम बाद खुल जाएगी। तो फेविकॉल जब आप पानी में डाइल्यूट कर रहे हो तो ज़्यादा पानी भी डाइल्यूट मत करना और बहुत ज़्यादा थिक भी मत रखना वरना ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा और ना ही अच्छे से ये चिपक पाएगी। तो अभी आपको सेम प्रोसेस जो है पूरी टेबल प्लेसमेंट पे अप्लाई करना है अच्छे से। तो चलिए मैं फटाफट से कर देती हूँ इधर। तो फेविकॉल के अच्छे से सूख जाने के बाद अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी टेक्सचर वाइट। तो टेक्सचर वाइट जो है इसे भी हमें फेविकॉल मतलब ब्रश से ही अप्लाई करना होगा एंड फेविकॉल के सूख जाने के बाद ही इसे अप्लाई करना। मैं वेट पे ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी आप लोगों को करके दिखाना है। मेरा थोड़ा सा अभी भी वेट है एंड मैं इसी पे टेक्सचर वाइट अप्लाई कर रही हूँ। टेक्सचर वाइट अप्लाई करते वक्त हम कोई भी पानी यूज़ नहीं करते। अगर आपको टेक्सचर वाइट नहीं है आपके पास अगर, तो आप वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हो, बट टेक्सचर वाइट का जो पेस्ट है वो एक्चुअल में क्या होता है कि वो थोड़ा सा थिक होता है, इसीलिए हमें टेक्सचर वाइट ही यूज़ करना चाहिए या जैसो भी यूज़ कर सकते हो, एक ही बात है। तो अभी इस पूरे पे अच्छे से हमें टेक्सचर वाइट अप्लाई कर देना है सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। पानी बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा।
आप या तो टेक्सचर वाइट लगा रहे हो या वाइट कलर लगा रहे हो, दोनों ही केस में हमें उसे सूखने देने का वेट करना है। तो अभी जो है मेरा टेक्सचर वाइट अभी भी थोड़ा सा गीला है, पर ठीक है, मुझे अभी आप लोगों को करके दिखाना है इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, पर आप लोग सूख जाने के बाद ही करना। तो इधर मैंने जो है वो रेड कलर लिया है, एक बार मैं रेड कलर ही इस पर बेस के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो कलर अप्लाई करते वक्त आप उसमें पानी डाइल्यूट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस बेस जब आप यूज़ कर रहे हैं जैसे कि टेक्सचर वाइट या वाइट कलर, उस केस में आपको पानी यूज़ नहीं करना है, बाकी आप कर सकते हैं। तो मैं इसके चारों तरफ ही रेड कलर का एक कोट लगाऊंगी धीरे धीरे, अभी आप देखते जाइए, ध्यान से करना थोड़ा सा। एंड आप इस तरीके के जो टेबल प्लेसमेंट जो है वो आप 6-6 बना के भी रख सकते हैं, जैसे आप अपनी डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है हैंडमेड गिफ्ट, तो आप इस तरीके के टेबल प्लेसमेंट भी बना सकते हैं। इवन देन आप इन टेबल प्लेसमेंट्स पे पेंटिंग भी या फिर कुछ क्राफ्ट वर्क करना चाहते हैं, जैसे स्टोन रिलेटेड वर्क या ग्लिटर वर्क, वो सब भी कर सकते हैं, गोल्डन कलर कर सकते हैं। इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी कि आप इसमें किस तरीके की डिटेल्स ऐड करना चाह रहे हैं। तो अभी मैं रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ इसके पूरे किनोरी की तरफ, मतलब सराउंडिंग में बाहर बाहर। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए मैं इसे कंप्लीट करूँगी अभी। तो अभी मुझे ये रेड कलर जो है ये बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रहा है, एंड इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इस पर थोड़ा सा वाइट कलर अप्लाई कर दूँ। अभी वाइट कलर लगाते ही ये पिंक बन जाएगा, क्योंकि अभी ये जो रेड कलर है ये अभी भी गीला ही है, इसीलिए जैसे ही मैं इस पर वाइट कलर जैसे ही मैं अप्लाई करूँगी ये पिंक बनता जाएगा, क्योंकि अभी मेरा रेड कलर सूखा नहीं था इसीलिए। तो सेम प्रोसेस मैं पूरे रेड पे ही अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रेड बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रहा है इसीलिए। लुक, कलर कॉम्बिनेशन तो है ना आपकी चॉइस है कि आप कैसा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसा कलर कॉम्बिनेशन चाहिए। मैं इधर पिंक ले रही हूँ क्योंकि मुझे पिंक, रेड और थोड़े इस तरीके के कलर्स जो हैं वो पसंद हैं इसीलिए। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए चारों तरफ से वाइट कलर लगा देंगे।
डार्क पिंक और अंदर में लाइट पिंक का इफेक्ट दे रही हूँ बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद पिंक। आपको कौन सा कलर पसंद है मुझे कमेंट्स में जल्दी से बता दो। इसीलिए मैं इसमें और वाइट मिला के पूरे ही अंदर वाले पार्ट में पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ। एंड इसको करते वक्त मैं पानी थोड़ा सा कम ही डाइल्यूट करती हूँ, वरना फिर जो मतलब जो हमारा बेस है यानी जो न्यूज़पेपर के जो लेटर्स हैं वो हमें दिखने लगेंगे, इसीलिए मैं पानी बहुत कम अप्लाई करती हूँ। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं पूरा अंदर का जो एरिया है वो पिंक कर दूंगी। अभी ये जो थोड़ा सा बीच का पार्ट है मैंने इसको वाइट ही छोड़ दिया है एंड अब मैं रेड प्योर कलर लेके इधर मैं एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ कर रही हूँ। इधर मैं रेड प्योर कलर लेके इधर रेड कलर से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूँगी एंड मैं इधर रेड कलर में कोई भी पानी में नहीं मिलाया है, मैं प्योर कलर ही जो है इसमें अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं ऐसे गोल गोल करके इसे गोल गोल घुमा के एक डिज़ाइन क्रिएट कर दूँगी। तो इधर ये मेरा एकदम ठीक से बन गया है एंड मैंने डिज़ाइन भी इस पर अच्छे से दे दी है। बस मैं इसको एक बार थोड़ा सा फिनिशिंग टच और दूंगी और उसके बाद ये डन है। बाकी इसके सूख जाने के बाद आप इस पर वार्निश भी लगा सकते हो। मैं अभी वार्निश ना ही लगा रही हूँ ना आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये गीला है, अगर मैंने इस गीले पे ही वार्निश लगा दी तो ये पूरा मेरा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर अभी वार्निश ऐड नहीं कर रही हूँ। आप सूखने के बाद कर सकते हो तो वार्निश से क्या होगा कि ये वॉशेबल बन जाएगा एकदम, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो लग रहा है ना ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। कैसा लगा आपको ये वाला हमारा आर्टिकल न्यूज़पेपर से? ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा मुझे तो अच्छा लग रहा है। सो अभी हम आज एक और आर्टिकल बनाने वाले हैं। तो मैंने मटेरियल उसमें आपको लिखवाया था टिश्यू पेपर, तो टिश्यू पेपर निकाल लीजिए एंड अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाते बनाते आपको पता चल ही जाएगा कि हम क्या बनाने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इधर ले रही हूँ टिश्यू पेपर, अगर आपके पास टॉयलेट पेपर है तो आप वो भी ले सकते हो, दोनों में से कोई सा भी एक लेना है। तो मैंने इधर ले लिए हैं 3 टिश्यू पेपर और मैं इन्हें एकदम एक के ऊपर एक रख लूँगी। बस इसका जो क्लोज साइड है वो एक ही तरफ रखना, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे रखने के बाद मैं इसे इसका जो क्लोज़ वाला साइड था उसे कट कर रही हूँ ताकि ये जो क्लोज़ वाला साइड है ये बाहर निकल जाए। बाकी अब देख रहे हैं आप हर साइड से ये ओपन है। तो अभी सारे क्लोज साइड निकाल देने के बाद में सिर्फ ओपन साइड जो है उन्हें हम फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम चाइनीज़ फ़ैन को फोल्ड करते हैं उसी तरीके से हमें इसे भी फोल्ड करते जाना है, zigzag। इसका कोई भी मेज़रमेंट नहीं है, जितना पतला आप इसे फोल्ड करेंगे उतना बेटर है, और अगर ज़्यादा पतला भी कर देंगे तो भी क्या होगा ये फट जाएगा, इसलिए ठीक ठाक इसी तरीके से फोल्ड कर लीजिए एंड बीच में से आपको स्टेपल कर देना है इसे। स्टेपलर पे नहीं है तो किसी वायर से या स्टॉकिंग वायर से भी आप इसे बांध सकते हो। तो इसी तरीके से देखो ये एकदम रेडी हो गया है। अभी क्या करना है, इसका जो एक एक पार्ट है उसे हमें
पकड़ के बाहर निकालते जाना है। एंड इसको निकालते वक्त ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मैं एक बार और साइड से कट कर रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब यानी कि जो मुड़ा हुआ पार्ट है, जो बंद वाला साइड एरिया है टिश्यू पेपर का, वो रह गया हो तो निकल जाए। वरना क्या होगा, जब मैं इसे फोल्ड करूँगी और अगर तब कोई रह गया होगा तो ये हमारा टिश्यू पेपर जो है ये फट भी जाएगा। इसीलिए मैं पहले से ही इसे क्या कर रही हूँ, एक बार अच्छे से साइड से भी कट कर ले रही हूँ। तो स्टेपल पेन इधर है, अभी फ्रंट में रखना है इसे और एक एक पार्ट को कुछ इस तरीके से धीरे धीरे निकालना है, वरना क्या होगा, टिश्यू पेपर जो है वो आपसे फटने लगेगा अगर आप ज़्यादा ज़ोर से निकालेंगे तो। और अगर ज़्यादा लाइट निकालेंगे तो भी नहीं निकलेगा, तो एकदम मीडियम प्रेशर रखना है हैंड का। तो इस तरीके से आपको क्या है, इसको निकालते जाना है। तो जितने भी पूरा पार्ट है सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो देखिए फ्लावर तो एकदम रेडी हो गया है और लग भी बहुत प्यारा रहा है, बट मेरी जैसे मेरे से कई कई जगह से बीच में से ये फट गया था क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया था। अगर आप भी वैसे प्रेशर लगाओगे तो ये फट जाएगा। बाकी मैं इसमें थोड़ा सा वाटर कलर का इफ़ेक्ट देना चाह रही थी। मोस्टली मैं इसको वाइट ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये वाइट ही इतना ज़्यादा सुंदर लगता है कि इसमें कुछ भी और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मैंने आज सोचा कि क्यों ना वाटर कलर ट्राई करते हैं, मैंने कभी पहले नहीं किया था, बट मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट नो वाटर कलर इस पर कैसा लगने वाला है, बट ठीक है ट्राई करते हैं एक बार।
तो ये वाटर कलर जो है इसमें मैं कुछ नहीं कर रही, बस वाटर कलर लेना है ब्रश में वेट करके और ज़्यादा पानी लगा के इस पर इस तरीके से कहीं कहीं वाटर कलर को लगाते जाना है। एकदम बस डॉट ही लगाने हैं आपको, आपको ना इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना क्योंकि ये तो टिश्यू पेपर है, ये तो फट जाएगा वरना। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप इसी तरीके से ज़्यादा पानी डाइल्यूट करें और इस पर बस स्प्रेड करते जाइए। इवन आप ऊपर से भी बस बिना टच करे भी ज़्यादा पानी लगा के इस पर बस छींटे मार सकते हैं तो ये उससे भी अच्छा लगेगा। बाकी अभी मैं इस पर मल्टी कलर यूज़ कर रही हूँ, अभी ये तो देखना ही पड़ेगा कि ये कैसा लगेगा। मैं भी ये ट्रिक जो है पहली बार यूज़ कर रही हूँ। तो वैसे तो ये ठीक ही लग रहा है कलर ऐड करने के बाद में, एंड मुझे लग रहा है कि कलर ऐड करना इस पर इतना ज़्यादा भी अनसक्सेसफुल नहीं रहा। बाकी आज का अगर वर्कशॉप हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप में। अगर आज की आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। एंड आप अपनी वर्कशॉप का जो भी आर्टिकल बनाओगे प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर ही भेजना। मैं इंस्टाग्राम आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वैसे उसका नाम क्राफ्टोपिया एकेडमी है। बाय।